अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम के करीब बमबरगा के नजदीक डंपर और कार की ठोकर के बाद आग लगने से दो लोगों की झुलसकर ही मौत हो गई। हासिल अत्तला के मुताबिक डंपर मिट्टी को लेकर केदनूर से बुतरामट्टी की तरफ जा रहा था, तो कार कंगराली से बमबरगा शादी के इजलास में शिरकत कर लौट रहे थे, पर बमबरगा के नजदीक इस हादसे में दो की मौत हुई। मामला काकती पुलिस थाने में दर्ज किया गया। अभी अधिवेशन में भाजपा ने बेलगाम इसी मोर्चा पृथ्वी सिंह पर हमला और कारपोरेटर जवलकर हमले को लेकर स्पीकर यूटी खादर के सामने एहतजाज दर्ज किया, लिहाजा जुमेरात को वापसी पर इसकी तफसीलात पेश किए जाएंगे कहने पर एहतजाज वापस लिया गया। पृथ्वी सिंह जवलकर मामला भी सेशन का हिस्सा। यहाँ भी अतनाल ने बेलगाम को बिहार बनाने की बात कही। ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗುಂಡಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಗುಂಡಾರಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸಿಫ್ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಗುಂಡಾರಾಜ್ ಇದೆ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲೇ. सौंदत्य अल्लामा पहाड़ पर हुकूमत और प्राइवेट कंपनी के इश्तराक से केवल कार चलाए जाएंगे। कहा जाता है तकरीबन 2 लाख लोग इस मंदिर को आते हैं, लिहाजा वजीर एच के पाटिल ने पहाड़ पर केबल कार प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऐलान किया। विधानसभा में अधिवेशन के मौके पर न सिर्फ पूरी हुकूमत बल्कि कई सारे आला अफसरान भी यहां देर तक मौजूद रहते हैं। आज शाम बड़ा सांप देखा गया। अब ये सांप जहरीला नहीं था ऐसा बताया जा रहा, पर सांप कहते ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते, लेकिन किसी तरह इस सांप को आखिर में पकड़ा गया। बकेट को पानी को गेल मेला नोड्रे हलो ना 7 नंबर मध्ये टेबला आज वजीर आला सिद्धरामैया ने सरदार मैदान पर हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन मेले की इफ्तिताह अपने हाथों से फरमाई। इस वक्त बेलगाम नॉर्थ के एमएलए जनाब आसिफ सेठ भी मौजूद रहे। नम्म नाडिन एकैक मुख्यमंत्री मान्य श्री सिद्धरामय्या साहेबर आ कार्यक्रम निर्वहिसिकोडबेकु अंत हेळि अवरल्लि गौरवपूर्वकवागि नानु विनंतियन्न माड्तेवे। हागे होंबाळेयन्नु सह ತರುವಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅರಳಿಸಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನ ಅರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೋ ಮುಖೇನ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಅಯ್ಯ ಅಬ್ ಅಹಮ್ ಮೌಜು ಕಿ ತರಫ ರುಕ್ ಕರ್ತೆ ಆಜ್ ಕಾ ಮೌಜು ಯತ್ನಾಳ್ ಪರ್ ಕಾರ್ವಾಯಿ ಆಖಿರ್ ಕ್ಯೋ ನಹೀ ಹೋತಿ. हुबली में एक दरगाह के मुस्लिम अधिवेशन रखा गया था जिसमें वज़ीर आला सिद्धरामैया ने शिरकत फरमाई थी। इस इजलास में अखिलेतों के रियासती बजट को 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने का इरादा वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस वक्त जाहिर किया, तो इस पर हंगामा बरपा किया जा रहा है। भाजपा ने इस पर सख्त एतराज दर्ज करते हुए आखिर बेलगाम में सेशन चलते वक्त वज़ीर आला ने बाहर जाकर 10,000 करोड़ का ऐलान क्यों किया, ये दायरे में नहीं बैठता ऐसा कहते हुए इस ऐलान को न करने की बात कही गई। लिहाजा इस पर कांग्रेस के ही प्रियंका खड़गे और दिगर लीडरों ने जवाब देते हुए कहा कि किसी बजट को मंजूर करने के लिए ऐवान में बजट को आना जरूरी हो जाता है और यही से उसे मंजूरी दी जाती है, लिहाजा वजीर आला का कहना कुछ गलत नहीं है कहा। भाजपा के सुनील कुमार ने ऐवान की तौहीन की है और मुसलमानों की तस्कीन करने का इल्जाम लगाया। भाजपा ने कांग्रेस की हिमायत और तस्कीन यानी कि अपीजमेंट महज इनके वोट को हासिल करने के लिए कर रही है ऐसा भी कहा।
खैर सियासत में सवाल जवाब इल्जाम तराशी का खेल चलता रहता है, पर इसी दरमियान में बीजापुर के इतनार पाटिल ने वजीर आला के साथ मुस्लिम समाज पर जो तोहीन लगाई, सबसे ज्यादा ना मजम्मत के काबिल बल्कि खतरनाक भी कह सकते हैं। वैसे यतनाल पाटिल नफरती बयान के लिए जाने जाते हैं। इसके हर बयान में हिंदू मुस्लिम नफरती नजरिया जरूर रहता है। अपने आप को हिंदू आलम्बरदार साबित करने के लिए उल्टे सीधे बयान देना इनका एक तरह का मशगला रहा है। पर जब वजीर आला जिस इजलास में शरीक हुए और उसी इजलास में बीजापुर के ही तनवीर पाशा हाशमी साहब भी मौजूद थे, इस इजलास में कांग्रेस के दिगर सियासी लीडरान भी मौजूद थे, मगर बिना सोचे समझे इतनाल पाटिल ने वजीर आला सिद्धरामैया के अगल बगल में पाकिस्तानी दहशतगर्द कहते हुए आईसिस के भी दहशतगर्द मौजूद है ऐसा कहा। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला बयान है। आखिर इतनाल पाटिल को इस तरह के बयान देने के लिए क्यों कर आजाद छोड़ दिया गया है? और उससे भी ज्यादा कांग्रेस पर ताज्जुब होता है कि इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां भी तोहीन आमोज या नफरत बयान या गैर जिम्मेदाराना बयान किसी भी पार्टी के सियासी लीडरों की जानिब से दिए जाते हैं तो फौरी सू मोटो के तहत मामले को दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो फिर जब चाहे मनमानी बयान देने वाले इतनाल को क्यों कर आजाद छोड़ दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में तोहीन आमोज बयानात या फिर नफरती बयानात को लेकर कई पिटीशन दायर किए गए थे, जिसकी सुनवाई के दौरान पुलिस इंतजामिया को किसी फरियाद का इंतजार न करते हुए उस शख्स को हिरासत में लेने का हुक्म दिया गया। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। यतनाल ने बयान दिया, इसके लिए उसका पलटकर जवाब या फिर सफाई देने तक ही मामले को महदूद किया जाता रहा है। हिजाब हो, हलाल हो, मॉब लिंचिंग हो या फिर टीपू सुल्तान शहीद हो, यहाँ तक इस्लाम और नबी की शान में गुस्ताखी करने तक इसने जुर्रत की है, पर अब तक गिरफ्तारी अमल में आते हुए नहीं देखा जा रहा। आज मुस्लिम इजलास में आईसीएस की मौजूदगी कहना बहुत बड़ी बात है। इस पर अब तक सिर्फ सवाल जवाब ही देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम लीडरान ही सिर्फ बयानबाजी करते हुए देखा जा रहा है। हुबली और बीजापुर के जिम्मेदारान पर भी तरस आता है कि आखिर किसी तरह की कार्रवाई या एहतजाजी इजलास हमने नहीं देखा। अगर इसी तरह कोई गैर संवैधानिक तरीके से मुसलमानों को या मुस्लिम मौलानाओं को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान से इन्हें रुपया आता है कहना और इस पर तमाम समाज और साथ में कांग्रेस पार्टी का भी खामोश बैठना समझ से बाहर नजर आ रहा है। यकीनन इल्जाम बेबुनियाद है और किसी हाल में दावे के साथ कहता हूं यतनाल साबित नहीं कर सकता, लेकिन घटिया मकबूलियत हासिल करने की आदत इस लीडर को पहले से ही है, लिहाजा इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए यतनाल का हमेशा के लिए बंदोबस्त करने का मुतालबा मुख्तलिफ शोबों में किया जा रहा है। आखिर बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी बात अगर कही है, इसकी सजा भी मिलना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर वहां पर सबूत पेश किए जाए, वरना वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ जो चाहे बयानबाजी की आदत भाजपा के लीडरों को हो ही रही है, और मुसलमानों का तो क्या कहना, इन्हें तो कहां क्या हो रहा है या किसने क्या कहा है ये भी समझने से ये लोग कासिर है। अगर हुबली के इजलास में महज शिरकत करने पर इस तरह का बयान देने पर वहां की जमात को भी संजीदगी से मामले को लेने की जरूरत है, और खुद बीजापुर के तनवीर हाशमी रुसूक वाले शख्स है और यतनाल ने जानबूझकर ये बयान दिया है, तो पलटकर जुबानी बयान देने से कानूनी कार्रवाई की मांग न सिर्फ करे बल्कि इसी बेलगाम शहर से बेलगाम जेल तक का रास्ता इसका तय किया जाए। और बार बार कुछ भी बयानबाजी करने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत क्यों खामोश है? और अब जब वजीर आला सिद्धरामैया जो इस रियासत के बादशाह की हैसियत रखते हैं सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, यह समझना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी मुस्लिम समाज को दहशतगर्द कहना और जिस इजलास में वजीर आला की शिरकत को निशाना बनाना तमाम एक तरह का मौका कह सकते हैं। मीडिया जहां दिगर मामलात में सख्त सवालात करती है कहीं पर भी इस पर कार्रवाई का इजहार और गलत इल्जाम कहते हुए नहीं कर पा रही। खैर मीडिया वैसे भी अब अपना मियार खो चुकी है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। लिहाजा 2 दिन की मोहलत यतनाल पाटिल को दी जाए कि इल्जाम को सबूत के साथ पेश करे, वरना कार्रवाई जरूरी होगी, नहीं तो इसी तरह गलत इल्जामात को सही साबित कर एक समाज के साथ रियासत के वजीर आला को भी मुजरिम करार दिया जा सकता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अरे दुर्दैव सीएम और इडी अल्लाह जनांग मुख्यमंत्री कैलस बरे तुष्टीकरण साबर मीटिंग होगी नीनेलो हूबली यो सभा ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಇಂಥವ್ರು ಅದಾರ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ISIS ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ISIS ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇದ್ದ, ಇಂಥವ್ರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೋಗಿ
ತಗಸ್ರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನ ನಾನು ಹೊಡೆಗಾಡಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ इन सब का दिल की गहराइयों से मैं खैर मकदम करता हूं वेदकी मेले इंदा गुरु इस डायस पर तशरीफ फरमा अली जनाब जब्बार अहमद साहब का खैर मकदम करता हूं युवती नहीं है विचारक के बंदागा सैयद शाह मोहम्मद महमूद बाशा कादरी और बाशा पीरारवर किरु परिचय ना माड्कोडलेबेकागुत्तदे ई बनिवेयन्न एल्ला धर्मगुरु सन्मान्य सिद्धरामय्यन मान्य मुख्यमंत्री मनवियन्न समर्पणे माड्ता इद्दारे एल्ला धर्मगुरु इदरल्लि जोते आगबेकु अंत केळिकोळ्ता इद्दाने ಯತ್ನಾಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಇದು ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ನಾವು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 24ಗೆ ಮಾಡಿವಿ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಶಾಂತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು 14 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾ ಕೆಲಸ ಸೇವೆ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾ ಅಂತ ಮಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೀಬೇಕು ನೀವು ಹುಷಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವ ಪ್ರೇಸರು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಂಎಲ್ಎ ದಾರ ಬಿಜಾಪುರದ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಬಾರದಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುರುಳಿಲ್ಲ